हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया लेसन हमारी सीरीज़ जो चल रही है डेली करंट अफेयर्स 2020 की। सो आज है 26 जनवरी 2020। सो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। लेसन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी 2 दिन ही हुए सीरीज़ को शुरू हुए, तो काफ़ी टाइमिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि किसी को चाहिए 15 मिनट के अंदर और कोई कह रहा है कि जैसे अभी टाइमिंग से कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ है कि छोटा सा 2-3 मिनट का नेगोशिएशन चलता है, जैसे 15-17 मिनट की हो जाए, तो उस चीज़ टाइम पर ज़्यादा ध्यान ना देके अगर आप वीडियो पर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आपके लिए होती है, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर है, वो हर तरीके से कवर हो जाए। जो उसका बैकग्राउंड है वो हर चीज़ में बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो आशा करता हूँ आप वो थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा चाहते हैं, मैं उसी के हिसाब से वीडियो को रखूँगा। आज की वीडियो देखते हैं कैसी जाती है, टाइमिंग मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ही हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वॉज द थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2019? सो हमने रिसेंटली नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, तो थीम पूछी गई है वो आपको बतानी है। ऑप्शन आपके एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, मतलब कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड हो गया गलती से, गर्ल फोर्स है, गर्लफ्रेंड नहीं है। ट्रांसलेशन में कभी कभी एरर हो जाता है, अनस्क्रिप्टेड और अनस्टॉपेबल, ठीक है। और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। और आपका हो गया एम्पावरिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, बालिका का सशक्तिकरण। तो ये आपको थीम बतानी है, इसमें से 2019 की थीम कौन सी थी वो आप बताना है। करेक्ट आंसर की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है ए, जो कि कहता है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, ठीक है, गर्ल्स को एम्पावर करना फॉर अ ब्राइटर टुमारो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे रिसेंटली मनाया गया 24 जनवरी को, ये आपको याद रखना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मनाया गया 24 जनवरी को। तो उस दिन बेसिकली यहाँ पर थीम क्या बताई गई है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 2008 में, यहाँ से मैं सर्कल हटाता हूँ, 2008 में शुरू किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब छोटी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं हर तरीके के फैक्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं गर्ल फोर्स की, गर्ल फोर्स की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन है बी, ये है 2018 की थीम, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो थी 2017 की थीम, और 2016 की थीम थी आपकी एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको यहाँ पर दे रखे हैं रिवर्स सीक्वेंस में, तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप दिस ईयर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स बाय गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स? कौन से स्टेट ने जो है टॉप किया है इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स लाकर? यहाँ पर ऑप्शन है आपके दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। करेक्ट आंसर की बात करें हरियाणा आप सोच रहे होंगे, जो कि गलत है, महाराष्ट्र ने इस साल जो है टॉप किया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इवेंट की, तो ये 10 से लेकर 22 जनवरी तक जो है ये इवेंट चला था। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इवेंट हुआ कहाँ पर, वो हुआ था गुवाहाटी में। फर्स्ट रहा आपका महाराष्ट्र, सेकंड रहा आपका हरियाणा, थर्ड पे आया दिल्ली। तो ये 3 टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो है रैंकिंग रही है इनकी स्पोर्ट्स में मेडल के हिसाब से, मेडल की गिनती के हिसाब से। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसका एम क्या था, बेसिकली इसका विजन क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, टू रिवाइव इंडियन स्पोर्ट्स, मतलब भारतीय खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए ज़मीनी स्तर से, ज़मीनी स्तर मतलब स्कूल लेवल के करीबन 16 साल के ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो इसमें लिए जाते हैं, जो इसमें पार्ट लेते हैं स्कूल लेवल के लिए, जो है वहाँ से बात की जा रही है। तो ग्रास रूट की बात की गई है, स्कूल लेवल से जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा जो है किसने करी थी वो आपको यहाँ पर बताना है। एशियन ने, वर्ल्ड बैंक ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने? एशियन आपको बताइए 10 स्टेट्स है जिसमें 10 कंट्रीज आती है आपकी एशिया की, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अनाउंस किया था, बाकी ऑप्शन है उनमें से। करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो कि कहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है इसकी घोषणा की थी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये एक एनुअल इंटरनेशनल जो है ये दिवस है, इसमें क्या होता है ये बेसिकली पूरा का पूरा शिक्षा के लिए जो है डेडिकेटेड है, जैसे उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। 3 दिसंबर 2018 को जो UNGA है, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने एक रेजोल्यूशन को जो है अडॉप्ट किया था। उसमें क्या है कि 24 उसमें उन्होंने कहा था कि 24 जनवरी को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। अब ऐसा रीजन क्यों है कि 24 जनवरी उन्होंने चुना, देखिए वो उनका मिशन क्या था कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन की वजह से जो है हम ग्लोबल पीस मेंटेन कर पा रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, कि मतलब रिसोर्सेज बचाना जिससे कि लंबे टर्म तक जो है उसको हम यूज कर सके। तो ये सारी चीजें हमको किसके थ्रू पता चली है, हमें पता चली एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं इस साल की थीम की, थीम ये ओवरऑल नहीं है, थीम ये इस साल की है, तो इसकी थीम क्या है, लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है, लोगों ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना, ठीक है, इसे सिखाना जो भी है, मतलब एक लर्न या सीखना
आप एजुकेशन से जो बोलते हैं ना, एजुकेशन एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो वही इस चीज़ में, इस इवेंट पे कहा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल और वेस्टर्न यूनियन ने जो है टीम अप किया है, दोनों ने हाथ मिलाया है किस चीज़ के लिए, लॉन्च करने के लिए रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट्स। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है एयरटेल और वेस्टर्न यूनियन ने जो है टीम अप करा है, इंडिया और चाइना, इंडिया अफ्रीका, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और रशिया। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट है इंडिया और अफ्रीका। इंडिया अफ्रीका में क्या हुआ है, वेस्टर्न यूनियन ने जो है टीम अप किया है कि अब वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है, आपको पता ही होगा एप्लीकेशन है एयरटेल वालों की, और एयरटेल अफ्रीका जो है पीएलसी, उसमें क्या है कि अब वो लॉन्च करेंगे अपना रियल टाइम पेमेंट, शॉर्टली जल्दी वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है 3 महीने के लिए, अभी बेसिकली इसको जो है अभी पूरे तरीके से इसको बताया नहीं गया है, मतलब इसकी पूरी डिटेल नहीं आई है इसमें क्या क्या सीन है, लेकिन इसको लॉन्च किया जाए, ठीक है, लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, आप जो है बहुत जल्द ही अपनी जो है पेमेंट अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका से। इससे क्या होगा, एक तो देखिए ट्रांजेक्शन बहुत, लेन देन बहुत बढ़ने वाला है अब इंडिया और अफ्रीका के बीच में एयरटेल और वेस्टर्न यूनियन की वजह से। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अफ्रीका में 14 कंट्रीज़ है, उन सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ये टीम अप किया गया, और इंडिया तो है ही अपनी 15वीं कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अप्रूवल दिया है कि वो एमओयू में आएगी, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर वो साइन करेगी किन दो नेशंस के इलेक्शन कमीशन के साथ, वो आपको बताना है। और नाम क्या है नेशंस का, वो देखिए तुनिशिया और पपुआ न्यू गिनिया, या फिर पपुआ न्यू गिनिया और जर्मनी, या फिर तुनिशिया और जर्मनी, या फिर कोई भी नहीं, अलग ही आंसर है। करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ए, तुनिशिया और पपुआ न्यू गिनिया की इलेक्शन कमीशन जो है, इन दोनों कंट्री की जो इलेक्शन कमीशन है उसको अप्रूवल मिला है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर साइन होगी। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया है और जो पपुआ न्यू गिनिया की जो इलेक्टोरल कमीशन है, वो यहाँ पर अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जो साइन करेंगे वो किस लिए होगी, बेसिकली जो कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट। ठीक है, आपका जो चुनाव आयोग जो होता है उसमें समझौता किया जाए आपस में देशों में, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका, एडमिनिस्ट्रेशन आप जितना भी इनके बीच में जो कहते हैं ना इलेक्शंस वगैरह जो चल रहे हैं उसमें कॉपरेशन वगैरह किया जाएगा, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, समझौता, सहयोग हो गया, जैसे हाँ प्रशासन वर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को पूरा वर्ड याद नहीं आ रहा था, प्रशासन के क्षेत्र में अगर हम कहें सहयोग के लिए ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल वुमेन कैब सर्विस। अब ये जो है नई सर्विस शुरू हुई है ऑल इंडिया कैब सर्विस, इसमें क्या है स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि जो ऑल वुमेन कैब सर्विस है इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन ड्राइवर्स ही होंगी, और वो कहाँ से होंगी, एनजीओ नेम्ड आज़ाद फाउंडेशन की, जो वो सारी वुमेन होंगी वहाँ पर जो ड्राइवर, वो आज़ाद फाउंडेशन से ही होंगी, सारी की सारी अपॉइंट की जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, ये जो कैब सर्विस है ये एक सखा कंसल्टिंग विंग्स के द्वारा जो है ये चलाई जाएगी, और ये क्या फॉर्म है जो सिमिलर सर्विसेज दे रहा है वुमेन को, यही वाली कैब सर्विसेज की जयपुर और कोलकाता में। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट ये कह रही है जो मैन है वो अलाउ नहीं है इस कैब में ट्रेवल करने के लिए, तो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछी गई है, करेक्ट पूछी गई है, हो सकता है आपको आंसर आता हो लेकिन इनकरेक्ट और करेक्ट के चक्कर में आप गलत करें। इनकरेक्ट हमसे पूछिए, अगर यहाँ पर इनकरेक्ट की बात करते हैं तो इनकरेक्ट है सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो कहती है कि सिर्फ मैन मैन जो है अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो अब क्या होगा, दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक यूनिक कैब सर्विस जिसका नाम होगा वुमेन विद व्हील्स। ठीक है, वहाँ पर कैब खड़ी होंगी, उस पर लिखा होगा वुमेन विद व्हील्स। अब यहाँ पर क्या है, ये वुमेन ऑपरेट करेंगी, वुमेन कैब चलाएंगी, मैन इसमें अलाउ है कैब में जाना, बिल्कुल अलाउ है, लेकिन अगर वो किसी वुमेन के साथ हो, अकेला मैन वहाँ पर जाकर ट्रैवल नहीं कर सकता उस कैब सर्विस में, वो स्पेशली वुमेन के लिए। अब ये सर्विस लाई क्यों गई, क्योंकि देखिए लेट नाइट फ्लाइट्स होती थी वुमेन की, तो वो सेफ फील नहीं करती थी कि किसी आदमी के साथ ट्रैवल करने में, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वुमेन ही ड्राइव करेगी, वुमेन ही अब वहाँ पर जो है ट्रैवल कर रही होगी, तो वो थोड़ा सेफ फील कर सकती है, हाँ वो किसी वुमेन के साथ ही है तो उसको उतना खतरा जो है, मतलब एक सेफ्टी पर्पज से जो है इसको लाया गया है। इसलिए जो है ये दो सोशल इश्यूज़ को जो है टारगेट कर रहे हैं, एक तो वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी मैंने आपको बता दिया, और वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन को, तो उस तरीके से जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी वो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, करप्शन का लेवल अब देखिए इंडिया में कहाँ तक है, अब रैंक बतानी आपको 77th रैंक पर आई है, 78th पे, 80th पे, या फिर 81st पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80 रैंक है इंडिया की टोटल,
180 कंट्री में 80 रैंक पे है, करप्शन अभी भी बहुत है इसका मतलब। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीपीआई में ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। इस अगर नहीं तो अगर मैं सिंपल सिर्फ क्वेश्चन आंसर करूँ तो 3 से 4 मिनट लगेंगे लेसन खत्म करने में, टाइमिंग की बात नहीं है, बात ये होती है कि हम सारे पॉइंट कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा बनाया जाता है सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये बनाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और सीपीआई की अगर हम बात करें ये रिलीज कहाँ पर हुआ, ये हुआ WEF 2020। WEF क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2020 में जो है रिलीज किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 180 कंट्री को रैंक दी गई, ठीक है, उसके हिसाब से कि वहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर में करप्शन कितने, पब्लिक सेक्टर क्या होता है गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहाँ पर कितनी करप्शन चल रही है, और जो बिजनेस लोग हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो है इसको रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने जो है यहाँ पर टॉप किया है, और यहाँ पर अगर हम बात करें फिर उनके बाद आती है फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये सारी टॉप 10 में जो है आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इज ओपन। बहुत अच्छी बात है कि अब ये ई वेस्ट क्लिनिक आ रहा है, जैसे कि आपके मोबाइल लैपटॉप वगैरह जो खराब हो जाते हैं अब बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, आप उनका क्या करें, अब क्या होगा ई वेस्ट जो क्लिनिक आ रहा है इसकी वजह से क्या होगा, आप अपने मोबाइल वहाँ पर जो है वहाँ पर वो कचरे में डालते हैं तो वो रिसाइकल किए जाएंगे, जिसके थ्रू एक नया प्रोडक्ट जो है बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर शुरू हो रहा है, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है भोपाल, यहाँ पर शायद ऑप्शन में जो है गलती होगी, राइट, ए ऑप्शन है जो कि भोपाल करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कंट्री का ये पहला फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है जो कि भोपाल में खोला जाने वाला है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या होगा, जो घरेलू और जो कमर्शियल आपके जो होते हैं ना, इन सबको जो है अलग किया जाएगा कचरे, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको रिसाइकल किया जाएगा, ये सारा कचरा इकट्ठा करके यहाँ पर जो है रिसाइकल किया जाएगा। और ई वेस्ट क्लिनिक की अगर हम बात करते हैं ये किसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ यूनियन एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के द्वारा जो कि है श्री प्रकाश जावड़ेकर। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप यहाँ पर जो है अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो छूट जाएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर टाइमिंग पे आप ना जाकर अगर आप कंटेंट पे जाएंगे, आप वीडियो पे जाएंगे कितनी चीज़ें हम कवर करें तो वो बहुत सही होगा। तो सेक्रेटरी श्री प्रकाश जावड़ेकर जो है इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। और ई वेस्ट क्लिनिक की अगर हम बात करें ये किसके द्वारा सेटअप किया गया वो भी देख लीजिए, ये सेटअप किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि आपका BMC है, इनके द्वारा जो है ये आपका जो है सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जो है किसने जीता है, के मुन्नन सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी या फिर मनमोहन सिंह, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर आपका के मुन्नन सिंह जो है इनको जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जिससे जो है इनको नवाजा गया है, और 23 जनवरी को जो है अनाउंस किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दो कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं, एक होता है आपका इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में और एक होता है आपका इंडिविजुअल में। इंस्टीट्यूशन कैटेगरी अवार्ड में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है और कैश प्राइज होता है 51 लाख का, और इंडिविजुअल में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर होता है 5 लाख का कैश प्राइज और सर्टिफिकेट। और ये किस चीज़ के लिए मिलता है सर्टिफिकेट वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो मिलता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर देखा जाता है, उसके हिसाब से जो है ये अवार्ड जो है उनको दिया जाता है, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड जो है ये दिया जाता है। और ये विल बी कन्फर्म टू उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन, देखिए इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर मेंशन है, एक इंडिविजुअल हो गया के मुन्नन सिंह, और इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो है उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में जो है उनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इंडिया ने जो है अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो है कहाँ पर खोलने की बात करी है, जमैका में, घाना में या फिर नाइजर में या फिर केन्या में? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो सी है, नाइजर, अफ्रीका की ये एक ये कंट्री है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये सेंटर जो है इसको सेंटर जो है इसका ये जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, जयशंकर, जो कि करंटली अभी विजिट पे गए हुए हैं नाइजर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वहाँ पर उद्घाटन पर जयशंकर थे, ठीक है, आपके हो गए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और एक हो गया आपके प्रेजिडेंट ऑफ नाइजर, ठीक है, महमदउ इसफो। तो ये जो है ये यहाँ पर उद्घाटन के टाइम पे थे। अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन कवर हो गए कि आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है और आपका प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर कौन है, वो भी आपको यहाँ पर पता चल गया। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर टाइमिंग से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा आपसे फिर से कि एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में करीबन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कवर अप करते चल रहे हैं। पेपर में आपसे कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, जैसे कि आज के टाइम पे न्यूज़ आया कि जो है एक नया रोबोट बना दिया, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था,
ठीक है, तो वो रोबोट का नाम डायरेक्टली बहुत रेयर चांस है, उससे पूछा जा सकता है कि किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए, उनका मिशन क्या है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करते जाइएगा और एक अच्छा सा कमेंट आप नीचे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।